अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो कि वीडियो है इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं कहता हूँ यार हद से भी ज़्यादा। मैं आपको ये कहता हूँ कि यार जो बंदे स्काई वीपन का वन मंथ का अकाउंट नहीं बना पा रहे, लेकिन आपको ये वाला मेथड किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन बेसिकली आपको कोई भी चीज़ नहीं बता रहा। दोस्तों अगर आप मल्टी ऐप के अंदर अकाउंट अपना ओपन करते हो, यहाँ पर वन एंड टू, आप दो के अंदर जब आप एक्टिविटी कोड लगाते हो, आपका पहले दो स्काई वीपन के अंदर एक्टिविटी कोड लग जाता है, देन आपको जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप आपको कोई भी नहीं दिखाता। अगर तीसरा स्टेप लग जाता है तो दोस्तों आपको वो वीडियो को पॉज कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वीडियो को बंद कर देते हैं। देन आपको वो तब दिखाते हैं वीडियो को जब वीडियो के ऊपर तकरीबन जितने भी एक्टिविटी कोर्स होते हैं 12 के 12 कंप्लीट हो चुके हों। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, टेक्निकल हेल्प दोस्तों आपने फ्रेंड्स के लिए ही बनाया चैनल, दोस्तों अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए बनाया है। दोस्तों टेक्निकल हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दें। तो इसकी वीडियो को मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी वीडियो आपने वॉच कर लेनी है, क्योंकि आपको मैंने एक ही ब्राउज़र के अंदर आपको तरीकाकार बताया कि आप लोग दोस्तों कैसे दोस्तों जो कि कलेक्ट होता है कैसे कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक जो टारगेट था मैंने 10, आपको 80 का दिया था, तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है यार आप लोग कर दोगे, इतने ज़्यादा नहीं है दोस्तों। एंड देन आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना है दोस्तों, इसको ज़रूर लाइक करना, एंड चैनल पे यहाँ पे रेड बटन आपको मिल जाएगा, आपने रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेक्निकल हेल्प के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको अपना दोस्तों जो यार एक मेरी बहन है, यार बहनों जैसी एज लाइक सिस्टर, तो उसने यार मुझे कॉमेंट किया था कि यार आप लोग तो सर जो कि हमारा मैजिक स्काई भी पेन है उसके ऊपर हमें जो कि होता है सिस्टम मीटर वाला वो शो नहीं होता। तो डेयर सिस्टर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, आपको यहाँ पे अपना लंदन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना होता है लंदन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है मैं आपको सारा का सारा बता देता हूँ दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी, बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको तीन चीज़ों के साथ दोस्तों अपना वन मंथ का अकाउंट लेने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा वन मंथ का। दोस्तों ये आप लोगों को मैं आपको सारा बताऊंगा दोस्तों, इसके अंदर भी आप लोगों को वीडियो काफ़ी सारे फ्रेंड ने बनाई है दोस्तों, यूट्यूबर ने मल्टी पैरेलल के बारे में दोस्तों, इसके अंदर भी दोस्तों मैंने कोशिश की है, तीसरे स्टेप के बाद होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अब दोस्तों टाइम जोन को लंदन कर देना है, उसके बाद दोस्तों जो मीटर ऑन करना है ना आप लोगों ने, यहाँ पर आप लोगों ने ऐड ऐप का ऑप्शन मिलता है, आपको ऐड ओके करना है, ठीक है ना। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्काई वीपन को ऐड कर लेना, देन आप लोग ऐसे आ जाओगे दोस्तों, स्काई वीपन आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ये जो मैंने कलेक्टेड किए थे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, मैंने कैसे किया दोस्तों एक ही ब्राउज़र से। तो यहाँ पे आप लोग को तो डेयर आप लोग यहाँ पे इनवाइट के ऊपर ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको मीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड देन आपको यहाँ पे छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने देखे चार पीपल्स को करंट इन्वाइटेशन कर दिया है दोस्तों। उसके बाद अनक्वालिफाइड के ऊपर दोस्तों हम लोग नहीं करने वाले दोस्तों, ये वाला आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद लास्ट वाला जो कि आपके पास होता है आप लोगों ने कॉपी कर लेना होता है, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है बिल्कुल बैक, एंड दोस्तों टेक्स में आ जाना, टेक्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एडिट करके उसके अंदर से जो कोड होता है वो निकाल लेना है, ठीक है। कोड निकालने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अपनी सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है कि आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम को नहीं छेड़ना, और आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कहाँ एप्लीकेशन, जी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो मैं अपना आपको एक लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने मल्टी पैरेलल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने सिंपली इसका डेटा क्लियर कर देना है, क्लियर करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने याद रखिए कि ये सेटिंग करते वक्त आपका कोई भी VPN कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, वरना आपका कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। मैंने अपना VPN को डिसकनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं अपना जो मल्टी पैरेलल है इसको सिंपली ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम मल्टी पैरेलल ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे ऐड क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है, देन हम सिंपली यहाँ पे ऐड क्लोन के ऊपर ओके करते हैं, एंड देन आप यहाँ से हम लोग एक क्लोन कर लेते हैं अपना एक अदर जो कि स्काई VPN है दोस्तों। यही वर्जन आपको डाउनलोड करना है, इसका जो पॉइंट है 1.4.67 ये इस तरह का कोई पॉइंट, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीटर का ऑप्शन दोस्तों जस्ट इसी के अंदर शो होता है, अदरवाइज और किसी में शो नहीं होता। तो मैं आपको सारे आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं फ्रेंड्स आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों जिसके थ्रू आप लोग वन मंथ का अकाउंट बार बार ले सकते हो दोस्तों, इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं आएगा दोस्तों। तो वीडियो को देखते रहें,
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे यार सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा यार कष्ट आ गए थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने एग्री के ऊपर ओके कर देना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही एग्री के ऊपर ओके करते हो तो मोबाइल पे आई थिंक लैग हो चुका है, तो मैं यार इसको थोड़ा सा दोबारा से यार ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड मैंने आपको यार जैसे कि बताया था, आपने इसको ओपन करते वक्त कोई भी वीपीएन को कनेक्टेड नहीं रखना। याद रखें कि आपने कोई भी वीपीएन को, जब ये ओपन हो जाता है इसकी जो सेटिंग होती है साइड वाली वो हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने वीपीएन को कनेक्ट करना है दोस्तों। इसलिए मैं यार आपको बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की कि यार आप काश मेरी बात समझ जाओ। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा मेन जो काम होता है वो भी आप मेरी बात को नहीं समझते। यहाँ पर आपको कोई भी सर्वर कनेक्ट करना होता है तो उसके बाद दोस्तों उसको ट्राई करना होता है कि यार उसके ऊपर हमारा नेट भी चल रहा है कि नहीं, एम ही बेकार में जाता है दोस्तों। मैं आपको ये बार बार चीज़ें बताता हूँ कि इनको फॉलो कर लिया करो, ठीक है। तो YouTube के अंदर आके आप लोग ने पहले अपना नेट चेक कर लेना होता है कि हमारा नेट चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऐड आ चुका है तो दोस्तों इसका मतलब है हमारा नेट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अभी देखना YouTube भी ऑन हो जाएगी। एंड दोस्तों मैंने आपके सामने दो स्लाइड किए थे, अब मैंने इसका डेटा क्लियर करके दोबारा इसके अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर स्काई वीपन को ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी कोड डाल देना है, यहाँ पर मैं अपना एक्टिविटी कोड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्टिविटी कोड डाल देता हूँ जो कि हम लोगों ने कंट्री चेंज किया था, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हमें यू हैव कोड 500 MB प्रीमियम ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को यार ये सेटिंग किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। मैं यार बेसिकली आपको बोलते हैं कि इसके अंदर क्लोन करते जाओ, लेकिन फ्रेंड देखें क्लोन करने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों एक के अंदर प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे सॉल्व करनी होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसका डेटा क्लियर करना है, डेटा क्लियर करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सिंपली जो वीपीएन है इसको कर देना है अपना डिसकनेक्ट दोस्तों, ठीक है। इस वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देना है दोस्तों, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। इसको डिसकनेक्ट कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पे जो मल्टी पैरेलल है इसको आप लोगों ने सिंपली ओके कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारा दोबारा से अभी ये ओपन होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका डेटा क्लियर किया है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने इसका डेटा क्लियर किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये डन हो चुका है दोस्तों। आप लोगों ने फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा प्लीज़ सारा देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सॉरी ये कुछ और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्काई वीपीएन को ऐड कर लेते हैं। तो यार मैंने देख ले आपके सामने कोई भी वीपीएन कनेक्ट नहीं किया हुआ, ना ही वीपीएन कनेक्ट करूँगा। आप वीपीएन कनेक्ट करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने इस जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये इसके अंदर आप लोगों ने वीपीएन कनेक्ट नहीं रखना, जब आपने जब सेटिंग ओपन हो जाए आपने अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, अपना कोई भी सर्वर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यार ये हैंग हो जाता है बार बार, पता नहीं क्या मसला है। तो यहाँ पे एग्री के ऊपर ओके कर देना है, एग्री के ऊपर ओके करने के बाद दोस्तों हमारे पास वो सेटिंग ओपन हो जाएगी। यार फ्रेंड्स आप लोगों को ये ट्रिक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। देखें जब मैं इसकी सेटिंग ओपन कर लूँगा, यार ये ध्यान से देखें, जब मैं इसकी सेटिंग कनेक्ट करूँगा उससे पहले नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेटिंग ओपन ही नहीं होगी अगर आप वीपीएन कनेक्ट करोगे तो, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं और दोस्तों उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो कि वीपीएन है दोस्तों इसके अंदर कोई और सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्वर सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपना इंटरनेट चेक करना कि उस सर्वर के ऊपर हमारा नेट चल रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं हम लोग कोई और सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसराइल कर लेते हैं दोस्तों। इसराइल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा, होप हाँ दोस्तों हो चुका है। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने स्काई वीपीएन में आ जा सॉरी स्काई वीपीएन में नहीं आना, हम लोगों ने अपनी यूट्यूब में आ जाना। यूट्यूब में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना नेट ट्राई करना है कि हमारा नेट चल रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेट चल रहा है, इसका मतलब है कि अब हम लोग को जो काम है वो आसान हो चुका है दोस्तों। आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने मल्टी पैरेलल को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसको सिंपली ओके कर देना, ठीक है। मतलब जैसे ऑन करते हैं कर लेना है, ऑन तो ऑलरेडी किया हुआ था लेकिन हम लोगों ने इसको बेसिकली ऑन कर लेते हैं और दोबारा से ओके कर देते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कोड्स के ऊपर। एंड देन आपको यहाँ पे वही एक्टिविटी कोड डाल देना है, यहाँ पे ओके कर देना है और थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं फिर से मुझे दोस्तों आपके सामने प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया, अब मैं आपको फिर से बताऊँ यहाँ पे एक मसला जो आएगा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो कि वीपीएन है उसको कर देना है डिसकनेक्ट, इसको कर देना है एक दफ़ा डिसकनेक्ट, ठीक है। मैं इसको तो इसको मैंने डिसकनेक्ट कर दिया और उसके बाद आप लोगों ने आ जाना अपनी सेटिंग में।
सेटिंग में आने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन में आ जाना, एप्लीकेशन में आने के बाद मैनेजर में आ जाना, मैनेजर में आने के बाद दोस्तों क्या करना है कि अपने जो कि आपको ये वाला मैं दे रहा हूँ दोस्तों एक्टिविटी कोर्स का, दोस्तों अब दिन क्या तक ये मसला नहीं आने वाला दोस्तों 100% एंड 100%। यहाँ पे हमारे पास मल्टी पैरेलल है दोस्तों, इसको सिंपली हमने इसका डेटा क्लियर कर देंगे। डेटा क्लियर करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप इसको स्काई वीपन को ऐड करेंगे दोस्तों। स्काई वीपन को ऐड करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या करना होगा दोस्तों। आपने देख सकते हैं मैंने वीपीएन को कोई भी दोस्तों नहीं कनेक्ट किया हुआ, इस सेटिंग के दौरान आप लोगों ने वीपीएन को कनेक्ट नहीं करना दोस्तों। देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ सब कुछ, कुछ भी मैंने वीडियो को कट मट नहीं कर रहा दोस्तों, बार बार कर रहा हूँ। तो दोस्तों बार बार मुझे मतलब जो 500 रिवार्ड मिलता है वो मेरा उसके थ्रू, जिसके थ्रू हमें मिल जाता है 1 मंथ का प्रीमियम अकाउंट। ओके कर देना है, मेरा वीपीएन कनेक्ट इस वक्त नहीं है, अगर वीपीएन कनेक्ट करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा, बार बार बता रहा हूँ वीपीएन कनेक्ट नहीं है। जब इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी तो फिर से सर्वर कनेक्ट करके कोई भी एक्टिविटी कोड लगा देना है, ठीक है। तो बात कन्फर्म हो गई, तो यहाँ पे एग्री के ऊपर ओके कर दें सिंपल जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 लाइन्स के ऊपर ओके कर दें, 3 लाइन्स के ऊपर ओके करने के बाद दोस्तों एक्टिविटी कोड वाला ऑप्शन हमारे पास शो हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैजिक वीपीएन को या किसी भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना या उसका कोई भी सर्वर, और उसके ऊपर नेट चला कर चेक कर लेना है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग कोई और करते हैं स्पैन, और ये भी हो गया दोस्तों, कोरिया नहीं हुआ हमारा तो कोरिया चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोरिया हमारा नहीं हो दोस्तों, इसके अंदर सर्वर बहुत हैं, बहुत ही अच्छा है वीपीएन यार, तो कोरिया ट्राई करते हैं, कोरिया हमारा चल रहा है कि नहीं दोस्तों। हम लोग पहले नेट चेक करेंगे यार, मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई मसला ना हो, अगर आप नेट नहीं चेक करोगे तो आपको मसला आएगा। ये देखें ऐड आया, इसका मतलब हमारा नेट चल रहा है। तो उसके बाद मल्टी पैरेलल को ओपन कर लेते हैं, मल्टी पैरेलल को ओपन करने के बाद फिर से आप लोगों ने अपने स्काई वीपीएन को ओके कर देना है। अब दोस्तों ये वाला मैं लास्ट आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं लास्ट वाला दिखाऊंगा, ठीक है। आपके अंदर जो लास्ट वाला सॉरी आपके स्काई वीपीएन में जो लास्ट वाला प्रॉब्लम आता है वो भी नहीं आएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं दोस्तों जल्दी जल्दी इनको, अब मैं आपको एक चीज़ चेक करवा देता हूँ, क्या हमारे रियल में हो भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि हमें पता ना चले दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको पता कैसे करना है कि आपके कितने हो चुके हैं और बाकी कितनी नीडेड है आपको, ठीक है। आपको अपना स्काई वीपीएन ओपन कर लेना है जो दोस्तों जो मैंने आपको मल्टी ऐप के अंदर ओपन करवाया था, एंड देन आप 3 लाइन्स के ऊपर ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इन्वाइट के ऊपर ओके कर दें, एंड देन आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो चुका है आई थिंक, क्या मसला आया है। यहाँ पे इसको सिंपली मैं एक दफ़ा सारी चीज़ों को कट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मल्टी ऐप को ऑन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंक्रीज पेज व्यू देखेंगे कि हमारे कितने हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर ले। तो यहाँ पे आपको नीचे बिल्कुल छोटा सा साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ओके करना है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे साइन दोस्तों देख सकते हैं मैंने 7 लोगों को कर लिया है दोस्तों आपकी आंखों के सामने। तो यही मेथड है दोस्तों, मैं करता हूँ जल्दी से फिर 1 मंथ का अकाउंट लेके दिखाता हूँ आपको। तो आई थिंक फ्रेंड मेरे सारे के सारे हो चुके हैं, बस लास्ट रहता है। लास्ट स्टेप मैं आपको फिर से याद करवाने के लिए मैंने वीडियो को ऑन कर दिया, आपने जो सब स्टेप कर लेने लास्ट आपका रह जाएगा, आप लोगों ने फिर से वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देना है। याद रखें कि वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है कि दोस्तों मल्टी ऐप जो कि मल्टी ऐप पहला, इसके अंदर 2 दफ़ा तो हम ले सकते हैं लेकिन दूसरा 2 के बाद नहीं ले सकते। लेकिन 2 के बाद आपको क्या करना होता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने सेटिंग में आ जाना होता है दोस्तों, मल्टी जो मल्टी पैरल है इसके अंदर 2 बार आप ले सकते हो। उसके बाद जो एक्टिविटी कोड इनवैलिड आ जाता है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसका डेटा क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके डेटा क्लियर करने के बाद फिर से यहां पे इसको ओपन कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूं, तो ट्राई करवा लेते हैं क्या होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा झुके वीपीएन है कनेक्टेड नहीं है इस वक्त भाई, ये तमाम है उन लोगों को यार, काफ़ी सारे फ्रेंड को इस बात का पता है कि यार ये ओपन नहीं होता, किसी भी अगर क्लोन करे तो ओपन नहीं होता अगर हमारा वीपीएन कनेक्ट होता है। यार मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो काफ़ी सारे फ्रेंड को मसला आता है, तो मैंने कहा यार जिन भाइयों को नहीं पता यार बेचारे ऐसे ही जलील होते रहते हैं, तो मैंने कहा उनको फ़ायदा हो जाए यार, ये भी आपको बात साथ में बता देता हूँ। आप लोगों ने पहले इसको ओपन कर लेना होता है, इसकी एक्टिविटी कोड जो होता है वो ऑन कर लेना होता है, मतलब उसकी जो सेटिंग होती है साइड से निकाल लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद कोई कंट्री और सेलेक्ट करें दोस्तों, जो मैजिक वीपीएन है इसके अंदर तमाम जो हैं दोस्तों, तमाम के तमाम मैंने कोई भी इसके लिए
कोई भी एक्स्ट्रा वीपीएन नहीं यूज़ किया मैंने दोस्तों, मैजिक वीपीएन को यूज़ किया दोस्तों, कसम से दोस्तों, जितने भी मैंने ये चूज़ किए हैं एक्टिविटी कोर्स मैंने मैजिक वीपीएन के थ्रू किए हैं दोस्तों। तो यार कोई बात नहीं, इस वीपीएन का लिंक भी मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं कुछ इसकी खूबियाँ आपको बताने वाला हूँ इस वीपीएन के बारे में दोस्तों। तो आपको इस वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह दोस्तों जल्द मिलने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर तीन लाइन के ऊपर ओके कर दें। यहाँ पे दोस्तों जब ये निकल जाता है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, मैंने जितने भी किए हैं वन टू ऑल दोस्तों मैजिक वीपीएन के ऊपर किए, इसके ऊपर तमाम के तमाम सर्वर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे नीदरलैंड्स के ऊपर क्या कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी इंडिया के ऊपर लास्ट किया था। तो ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि यूट्यूब को चेक कर लेना कि यूट्यूब चल रही है कि नहीं। अगर ऐड आ गया तो इसका मतलब यूट्यूब चल रही है, अगर ऐड ना आया तो इसका मतलब यूट्यूब नहीं चल रही। ये देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चल रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग सिंपल सॉरी, तो उसके बाद जो हम लोगों ने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया मल्टीपैरेलल के बारे में दोस्तों, इसको ओपन कर लेना है आप लोगों ने। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने देखना है इसका डेटा क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, मैं दोबारा से इसका डेटा क्लियर कर लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड, डेटा क्लियर हो चुका था, हम लोगों ने इसको दोबारा ओपन किया था, मैं भूल गया था। तो उसके बाद हमारा जो वीपीएन है कनेक्टेड है दोस्तों, हम लोग इसके अंदर एक्टिविटी कोड लगा देते हैं। मीटर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो मल्टी ऐप प्रो के अंदर उसको ओपन करके इनवाइट के ऊपर ओके करें दोस्तों, मीटर वाला भी ऑप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है। हम लोगों ने ये जो हमारा लास्ट रहता था नीदरलैंड के ऊपर ओके किया था, ठीक है ना। तो उसके बाद अब ट्राई करते हैं, हमारा कोई रह तो नहीं किया, मल्टी ऐप को ऑन करते हैं दोस्तों। इसका पहला पार्ट जो मैंने इतना आसान बताया, उस पहले पार्ट की वीडियोज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग एक ही ब्राउज़र के अंदर दोस्तों लास्ट वाला जो आपके पास मसला करता है वो भी नहीं करेगा दोस्तों, उस लिंक का डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा दोस्तों वीडियो का लिंक दोस्तों, क्योंकि आपको काफ़ी सारे मसले आ रहे होते हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसका लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। वन मंथ दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा कलेक्टेड वाला ऑप्शन आया दोस्तों, ये देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव जस्ट अर्न वन मंथ प्रीमियम मेंबरशिप दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ दोस्तों। स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, आपको प्रूफ देने के लिए जब मैं थंबनेल इसका बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों मैंने इसको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये चाहिए तो दोस्तों मैं आपको ये देखें मैंने प्रोवाइड कर दिया दोस्तों आपको। यार इसका जो ईमेल और पासवर्ड मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैंने इसको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आप इसको ले लें क्योंकि मेरे ये किसी काम का नहीं है दोस्तों। मेरा जो है सिस्टम वैसे भी बल्ले बल्ले है दोस्तों, मैं अनलिमिटेड यूज़ करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी ट्रिकें होती हैं यार जो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यार मैं इसका अभी जीमेल बना लेता हूँ तो आपको इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो चुका है एंड दोस्तों साइनअप करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ये मेरी तरफ से आप फ्रेंड्स को गिफ्ट है। यहाँ पे टेक्निकल हेल्प @jobmail.com दोस्तों, अब ये वाली ट्रिक आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ में मसला नहीं आएगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। मलिक इसका जो पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ ना, मलिक 00786 00786 आए ना, अब इसको करते हैं जी फ्रेंड्स। तो ये हमारा अभी अकाउंट बन जाएगा दोस्तों, ये देखें। तो ये अकाउंट अपने फ्रेंड्स को टेक्निकल हेल्प की तरफ से गिफ्ट हुआ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।